लोगों ने उनका अभिवादन किया, जो मंच पर शिवप्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो हैं सबसे एक एक कर। ये आप देखिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिवप्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए, मंत्रीगण उपस्थित है और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक तरीका होता है, अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनसे जो उनकी उनका जुड़ाव है वो और मजबूत होता है जनता का। ये बिल्कुल बात सही कही सुरेश भाई आपने कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जुड़ाव होता है वो अलग ही होता है। और देखिए आज 18वीं किस्त का जो वितरण है, किसानों का भीड़ भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 18वीं किस्त का भाई बेसब्री से इंतजार पिछले कई महीनों से किसान भाई कर रहे थे कि 18वीं किस्त का हमें पैसा मिले। तो आज आप लोग उमाड़ देख ही रहे हैं किस प्रकार से, देख लीजिए भाई, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं यार, कोई बात सुनाई नहीं दे रही। और देखिए सभी मंत्रीगण, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री की बात कर ले, देखिए शिवराज जी हैं और साथ ही साथ तमाम मंत्रीगण उपस्थित हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तो लाभ आपको देंगे ही देंगे, लेकिन इसी के साथ देखिए तमाम अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए, केवल एक बटन दबाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के करोड़ों किसानों को अनेकों लाभ मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का भी देखिए लमसम 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि गई है। और इस बार जो संख्या की दृष्टि से बताएं तो पीएम किसान योजना में बहुत ज़्यादा किसानों को लाभ मिला है। लमसम भाई देखिए, मैं अगर बात करूँ संख्या की दृष्टि से 10 करोड़ से, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को ये लाभ मिला है। अगर आप लोग भी किसान हैं तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी गई है और सभी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, देखिए किसानों की संख्या देख लीजिए, महिला किसान, पुरुष किसान। अभी मैं आपको लाइव निकाल के भी दिखा देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा जारी। प्यारे किसान साथियों, अगर आप लोग भी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी लोगों की भाई 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा अभी कर कमलों से। मैं आपको बता दूं, देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों की 18वीं किस्त का पैसा जारी हो गया। मैं ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुका हूँ, आप लोग भी आ जाइए, मैं आपको लाइव पैसा चेकिंग करके दिखा दूंगा कि भाई पैसा आ चुका है किसानों का। भाई मैं विलेज के किसानों को भी दिखा दूंगा, शहरों के किसानों का भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग अपने गूगल पे सर्च करिए pmkisan.gov.in, फिर इस प्रकार की इंटरफेस जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर भाई क्लिक करके आप लोग यहां आ जाइए। उसके बाद जो भी आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखाई देगा तो आप लोग आ जाना। यहां सारी किस्तों का भाई अपडेट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं जितने भी किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो प्यारे किसान साथियों, आप लोग जो ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि पेमेंट सेक्शन में आप लोगों को कुछ, यानी कि पेमेंट सक्सेस में भाई कुछ आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि फार्मर्स कॉर्नर पे EKYC का ऑप्शन रहेगा, न्यू फार्मर का ऑप्शन रहेगा, साथ ही साथ आप लोगों को नो योर स्टेटस का ऑप्शन रहेगा, मोबाइल अपडेट कराना चाहते हो तो मोबाइल अपडेट का भी ऑप्शन रहेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन रिफंड का, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी जो हमें देखना है कि भाई बेनिफिशरी लिस्ट में हमारा नाम आया कि नहीं आया, तो बेनिफिशरी लिस्ट में नाम भी देखना है कि किन किसानों को पैसा मिल रहा, किन किसानों को नहीं मिल रहा 18वीं किस्त का। तो सब कुछ जानकारी देंगे भाई, कैसे आप लोग अपना नाम देख पाओगे पूरी जानकारी एकदम देखिए ऑथेंटिक तरीके से एकदम लाइव आपको हम दिखाएंगे, ना कि भाई कोई गड़बड़ी कोई धोखाधड़ी। तो भाई आप लोगों को एकदम लाइव जानकारी दी जाएगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त की, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको भाई 18वीं किस्त का पैसा चाहिए, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो देखिए आप लोगों को सबसे ज़रूरी है कि अपना EKYC करवाना है। अगर आप लोग अपना EKYC नहीं करवाओगे प्यारे किसान साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त से वंचित रह जाओगे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है साथियों। तो देखिए EKYC करने के लिए आपको करना कुछ नहीं मेरे भाई, बहुत सिंपल है, इस EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जो ही आप लोग इस EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। जो ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना आप लोग, तो देखिए यहाँ आपसे साफ साफ कहा गया कि भाई OTP बेस्ड EKYC हो रही, यानी कि देखिए अगर आपके पास आधार नंबर है
तो आप लोग आधार किसका नहीं बना भाई, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसका भी आधार बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आधार नंबर से ही KYC हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, इससे आसान बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि आधार नंबर केवल डायल करना है और आपका KYC हो जाएगा। कैसे करना है आप लोगों को देखिए, यहाँ दिया है ना आधार नंबर, तो इस जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये खाली बॉक्स में आप लोगों को अपना आधार नंबर फिल कर देना है और इस सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है, यानी कि सर्च वाली बटन पर जो ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इस पर आप लोगों को भाई क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका ये KYC जो है प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे की प्रोसेस की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग भाई अपना नो योर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस न्यू योर स्टेटस पर क्लिक कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखिए नो योर स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा और साथ ही साथ यहां आप लोगों को दिखाई देगा कि भाई आप लोग अपना स्टेटस कैसे देख पाओगे, जानकारी कुछ फिल करना है, जैसे कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस बॉक्स में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप लोगों को भाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फिल करना है। साथ ही साथ इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स पर फिल करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है, तो आप लोग अपना स्टेटस भी देख पाओगे। और यहाँ साथ ही साथ जैसे कि आपको मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से लेने के लिए, यानी कि भाई बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमें नहीं पता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करें, तो देखिए इस वाले ऑप्शन पर आकर, यानी कि ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को जानिए। इस ऑप्शन पर जो ही आप लोग क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस प्रकार का जब इंटरफेस आएगा ना, जब आप लोगों ने आवेदन करा था तो भाई वहाँ एक मोबाइल नंबर दिए होंगे, जो भी आप लोग मोबाइल नंबर चलाते हो तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करना है। और साथ ही साथ देखिए मैं आपको बता दूँ कि आप लोग भाई ये कैप्चा कोड यहाँ फिल कर दीजिए, उसके बाद देखिए इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा और आप लोग उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर यहाँ फिल कर देना है, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ फिल कर देना है, उसके बाद कैप्चा कोड ये वाला भर के यहाँ, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना, आपका भाई योर स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी काम प्यारे किसान साथियों, मैं आपको बता दूं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बेनिफिशरी लिस्ट, ठीक है। तो बेनिफिशरी लिस्ट बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मोबाइल नंबर भी अपडेट कराना है, तो देखिए अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जब हम अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे ना, तो ये भी बहुत आसान तरीका है भाई, मोबाइल नंबर भी अपडेट कराने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सब कोई कर सकते हैं यार। देखिए यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैं अभी बताया, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भाई यहाँ फिल कर देना है, और यही जो आप लोगों को कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है, फिर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है, आपका पूर्ण रूप से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह की जो डिटेल्स मांगेगा वो सब दे देना है, तो इतना करना था बस, हो जाएगा, बहुत ही आसान काम है, ठीक है। चलिए अब लास्ट में आते हैं भाई, किन किन लोगों को 18वीं किस्त का लिस्ट में नाम आ चुका है, तो देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बेनिफिशरी लिस्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग इस बेनिफिशरी लिस्ट पर क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो प्यारे किसान साथियों, सबसे ज़रूरी बात जो होती है यहाँ आप लोगों को समझना होता है बेनिफिशरी लिस्ट देखने के लिए। तो देखिए आज हम भाई जितने तारीख को देख रहे हैं वो तारीख भी दिखाई देगी, देखिए 21 सितंबर और नौवा महीना 2024 को हम ये बेनिफिशरी लिस्ट ओपन किए हैं, तो ये लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये आप लोगों को जो आज मैं खोल कर दिखा रहा हूँ, इसका पैसा अक्टूबर महीने तक मिलता रहेगा, अक्टूबर महीने की अंत तारीख तक भी मिलता रहेगा, लेकिन मैं आज दिखा रहा हूँ 21 सितंबर को, ये सितंबर जा रहा है जब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को इसमें क्या करना है, आपको करना कुछ खास नहीं है, जैसे कि स्टेट दिया है तो यहाँ से आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में डिस्ट्रिक्ट दिया है तो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जहाँ से हैं, उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ तीसरे नंबर पर सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक विलेज दिया है, इन सभी को बारी बारी से अपना चुन लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए आप किस ब्लॉक से हैं, विलेज सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस जिले से हैं, यानी कि किस गाँव से हैं, विलेज से। और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इस गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, आपके सारे मेल और फीमेल जितने भी किसान हैं वो आ जाएंगे,
जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे गांव की ये लिस्ट आ चुकी है जिसमें भाई हमारे गांव में 10 से भी ज़्यादा लिस्ट है। और किसानों की अगर संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा किसान हैं भाई। अभय कुमार हैं, अभिमन्यु कुमार हैं, अभिनंदन कुमार हैं, अभिषेक कुमार हैं, तमाम लोग हैं भाई। अजय कुमार से नाम से बहुत है, अजीत राम हैं, आकाश कुमार हैं, तमाम किसान भाई। ठीक है, और अंशिका कुमारी हैं हमारे गांव में। देखिए अलका शर्मा हैं भाई, फीमेल किसान भी, मेल किसान भी हैं। आप लोगों को अगर मैं टोटल किसानों की बात करूं मेरे गांव में कितने किसान हैं तो देखिए 500 से भी अधिक किसान हैं। ठीक है, 500 से भी अधिक किसान हैं। आपके गांव में कौन कौन से किसान हैं, किन किसानों का नाम आया, किन किसानों का नाम नहीं आया, 18वीं किस्त में आप लोग भी कमेंट करिए कि आपका नाम आया कि नहीं आया। तो प्यारे किसान साथियों, ये अक्टूबर महीने की अंत तारीख तक आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 18वीं किस्त का पैसा मिला या फिर नाम आया कि नहीं आया। धन्यवाद।